नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो जाने के बावजूद भी अभी तक लागू नहीं हो पाया है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बहुत सारे प्रदेशों में हो गए और अभी झारखंड महाराष्ट्र में होने वाले हैं। नारी शक्ति वंदन के नाम पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कह महिलाओं को 5 साल बाद का झांसा दिया जा रहा है। यदि आपकी तैयारी नहीं थी तो फिर महिलाओं को लॉलीपॉप देने की आवश्यकता ही क्यों। नई दिल्ली के जंतर मंतर में पूरे देश की नारी शक्ति ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में महिला आरक्षण आज दिया जाए अभी दिया जाए के नारे के साथ अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। लाखों की तादाद में देश भर से आई नारी शक्ति ने 3 मांग की है। प्रथम, महिला आरक्षण आज और अभी लागू किया जाए। महालक्ष्मी योजना के तहत हर बहन के खाते में रुपए डाले जाए ताकि उनको किसी और के आगे हाथ न पसारना पड़े। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद महिलाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीन सरकार ने बहनों को बुरी तरह मारा पीटा है, जिसकी मैं पुरजोर तरीके से निंदा करती हूँ। जबरदस्ती बसों में भरकर दूर थानों में ले जाया जा रहा था। इसी बीच एनबीटी की प्रमुख पत्रकार पूनम पांडे मीडिया कवरेज कर रही थी, उनका फोन पुलिस ने छुड़ा लिया और पत्रकार को भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ हिरासत में रखा गया। लोकतंत्र में अहिंसात्मक आंदोलन हमारा अधिकार है। प्रदर्शन को पुलिस के दम पर तोड़ने की कोशिश बेहद निंदनीय शर्मनाक रही है, जिसकी पूरी देश की नारी शक्ति के साथ ही लोकतंत्र पर भरोसा रखने वाले सभी लोग निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश की अध्यक्ष विभा पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे के नेतृत्व में मध्य प्रदेश से हजारों बहनों ने जंतर मंतर के प्रदर्शन में भाग लेकर गूंगी बहरी सरकार को जगाने की कोशिश की। भारत का संविधान हाथ में लिए नारी शक्ति ने संकल्प लिया है कि आंदोलन गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाएंगे। कविता पांडे, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश।